दोस्तों, तो आज मेरी फिटनेस जर्नी का सेकंड वीक शुरू हो रहा है। डे 5 है ये। और मेरे फर्स्ट वीडियो में मुझे बहुत सारे फीडबैक मिले थे कि जिम के अंदर बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो आप बाहर जाके वीडियोस बनाओ। तो इस बार मैं थोड़ी शांति वाली जगह से वीडियो बना रहा हूँ। वीक 1 मेरा बेसिकली वार्म अप वीक था। इसके अंदर मैंने सिंपल वार्म अप किया था और कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान फॉलो नहीं किया था। लेकिन वीक 2 में मेरा स्पेसिफिक डाइट प्लान बन गया, जो कि कैलोरी डिफिसिट का है। मतलब जितनी कैलोरी मैं कंज्यूम करूँगा उससे ज़्यादा मुझे बर्न करनी है। तो इसलिए आज मैंने जिम में लगभग 300 कैलोरी साइकिल पर बर्न करी। उसके बाद 300 कैलोरी मैंने क्रॉस ट्रेनर पर बर्न करी और उसके बाद 400 कैलोरी मैंने रनिंग करके बर्न करी। तो इस तरह से मैंने 1000 कैलोरी सिर्फ कार्डियो वाले सेक्शन में बर्न करी। उसके बाद एब्स की एक्सरसाइज करी और मेरी सारी एक्सरसाइज में अब 100 रेपिटेशन के ही सेट्स। फर्स्ट वीक में मैंने 1 kg लॉस किया और अब स्पेसिफिक डाइट प्लान और स्पेसिफिक ट्रेनिंग के साथ देखते हैं कितना लॉस। टुडे वाज माय डे 6। तो आज मेरे ट्रेनर थोड़े एबसेंट थे और कल मैं एबसेंट था क्योंकि घर में थोड़ा प्रोग्राम था। तो आज जब मैं जिम गया तो मैंने मोस्टली अपना टाइम कार्डियो में इन्वेस्ट किया, उसके बाद थोड़ा सा आर्म्स की एक्सरसाइज की और उसके बाद घर आ गया। तो आज मैं आपको मेरे डाइट प्लान के बारे में बताता हूँ जो कि मैं इस वीक फॉलो कर रहा हूँ। सुबह उठ के मेरे को ग्रीन टी पीनी है, उसके बाद एक एप्पल खाना है प्री वर्कआउट, उसके बाद मेरे को जब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तब मैं BCAA ले रहा हूँ। घर जाने के बाद मेरे को प्रोटीन लेना है और उसके लगभग 1 घंटे बाद मैं लंच कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ऑफ़िस आ जाता हूँ। ऑफ़िस आने के बाद लगभग 4 बजे के आसपास मुझे वापस एक स्कूप प्रोटीन लेना है और उसके बाद रात को 8 बजे के आसपास मैं डिनर कर रहा हूँ और 10 बजे सोने से पहले अभी ग्रीन टी वगैरह लेके फिर मैं सो जाता हूँ। तो ये सिंपल सा डाइट प्लान चल रहा है। इसमें मैं कार्बोहाइड्रेट्स को कम करता जा रहा हूँ और अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाता जा रहा हूँ। अपना लिक्विड इंटेक बढ़ाने के लिए ये वाली आइस टी भी पीता हूँ। जितना हो सके लिक्विड इंटेक बढ़ाना है। एक सिंपल सा रूल बना रखा है कि ये जो टी शर्ट है जब तक इतनी गीली ना हो जाए तब तक घर नहीं जाना। और ये भाई साहब गॉड ऑफ वॉर का बढ़िया था पोस्टर लगाया है जिम वालों ने, अच्छा लगा। इतनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो एक प्लेट आलू की टिक्की तो चल जाएगी। तो लगभग मेरा दूसरा वीक भी ख़त्म हो गया है और इसी तरह से लगभग 200 ग्राम पर डे के हिसाब से मेरा वेट कम होता जा रहा है। हाँ, लेकिन यह है कि मुझे एनर्जी लग रही है कि ठीक है, मेरे को जितना टाइम मुझे 600 कैलोरी बर्न करने में लगता था उससे कम टाइम अब मुझे ट्रेडमिल पर लग रहा है। तो आज मैं जितने मेरे फ्रेंड्स ने पूछा कि कौन सा प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ तो आज मैं बता रहा हूँ कि मैं कौन सा प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे ट्रेनर ने जो सजेस्ट किया है मेरे को वो ये वाला प्रोटीन है, आइकन का आइसोलेट प्रोटीन। प्रोटीन उन्होंने मुझे सजेस्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कि पहले आइसोलेट प्रोटीन यूज़ करते हैं। तो लगभग 2 स्कूप पर डे मैं इसको ले रहा हूँ। अभी मुझे नहीं पता कि ये प्रोटीन कितना अच्छा है नहीं अच्छा है, मैं बस ये बता रहा हूँ कि कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, इसके कितने रिजल्ट आते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो हो सकता है मैं अपना प्रोटीन चेंज करूँ, जो भी अपडेट होगा वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। और लगभग 2 हफ्ते में लगभग 2.5 से 3 किलो मेरा वेट लूज़ हुआ है। पर दूसरा प्रॉफिट यह हुआ है मुझे कि हाँ, फैट कम होकर मेरा मसल गेन भी हुआ है, तो मतलब टोटल फैट लूज मेरा 2.5 किलो से ज़्यादा का है। इसी तरह से मैं अपनी फिटनेस जर्नी के पूरे अपडेट्स मैं अपने चैनल पर देता रहूँगा, हो सकता है शायद आप में से किसी को ये हेल्प करे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल पर और वेट कीजिए, जल्दी ही मैं अगले वीक अपना नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। थैंक यू, बाय बाय।